Yo, what's up guys? Welcome back. तो कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, हम खेल रहे हैं Titanfall 2 गेम। अभी तक हमने स्टोरी में देखा आपने कि हमने केन को हरा दिया था। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे मिस्टर एंडरसन से मिलने, पर हमारे बीटी टाइटन ने बताया कि हमें शॉर्टकट लेना चाहिए। और जैसे हमने शॉर्टकट लिया, आगे बढ़े, तभी हमारे बीटी को कैप्चर कर लिया गया दुश्मनों ने। अब हमारे काम है बीटी टाइटन को बचाना, और इस रास्ते का हमने 90% सफर तय कर लिया था बड़ी मुश्किलों से, कठिनाइयों से होते हुए, और हमें बाकी का 10% आज सफर तय करना है, और साथ ही साथ इस सफर में आने वाली परेशानियों से भी जूझना, क्योंकि आज हमारी बॉस फाइट होगी एश से, और एश के दौरान के बाद ही हम बीटी को पूरी तरह बचा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, गेम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, गेम स्टार्ट हुआ है। अब हमें इस लिफ्ट से, ये जो लिफ्ट दिख रही है खतरनाक सी, इसके नीचे भी गिर सकते हैं हम, पर यहाँ से होते हुए लिफ्ट नहीं है एग्जैक्टली, पर ये जो है, क्या मैं कैसे समझाऊं, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इस ब्लॉक्स पे हमें चढ़ना है, और ये ब्लॉक हमें ऊपर ले जाएगा मिस एश से मिलवाने। तो हम ये मूविंग प्लेटफॉर्म्स जो मिस एश ने हमें बताया, इस पर हमें बैठना है। अब हमें ये ऊपर ले जाएगा एश से मिलवाने, और वहीं पे हमारी मुलाकात शायद हमारे बीटी टाइटन। ओ नहीं नहीं नहीं, गलत जगह जंप कर जाता अभी मैं। अभी जंप करते ही परमात्मा से मिलन हो जाता हमारा। पर अब मुझे जाना कहाँ है भाई, यहाँ बढ़ने आ गए। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये ब्लॉक्स ऊपर उठ रहे हैं। पेड़ जो आपको देखने थे, आपने दिख, जब हम बिल्कुल इस फैसिलिटी में एंटर किए थे तो ये पेड़ ही हमें बनते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ पे कार भी रखी हुई है भाई, पर ये तो फटे हाल है, दुर्घटनाग्रस्त लग रही है कार। लगता है इसी का एनकाउंटर हुआ है मिस एश से, पर हमें बस आगे बढ़ते रहना। डायनेमिक सिमुलेशन ऊपर से भी तो ये ओके। इस एश से हमारी लड़ाई होगी अब। डायनेमिक सिमुलेशन असली नहीं है, सिमुलेशन है सिर्फ ये। पर मेरा टाइटन कहाँ है यार, उसी के लिए तो सब कुछ हो रहा है। मेरा BT-7427 कहाँ है? ये सिमुलेशन है, ये घर जो उस फैसिलिटी में घर बन रहे थे वो घर है ये सब। पर मेरा BT-7427 कहाँ है? दिखाओ ना भाई मेरा टाइटन, उसी के लिए तो ये सब हो रहा है। मिलिशिया टेस्ट सब्जेक्ट्स, मिलिशिया टेस्ट सब्जेक्ट्स, ये बीच बीच में मैसेज आ रहे हैं। ये तो हमारे दोस्त हैं यार। Scenario 127, load complete. उनको बाहर रोका हुआ, अंदर नहीं आ सकते हो। ये मिस एश की आवाज बीच बीच में आ रही है, और ये जो हैं, ये हमारे दोस्त हैं। ये अंदर नहीं आ सकते क्या? You could say that. Your heart rate is exceeding 170 beats per minute. If possible, you should find a place to rest. Yeah, I'll get right up. BT बता रहा है कि हमारी heart rate बढ़ रही है, तो मुझे rest की जरूरत है। Reaper test program. पर अभी rest से ज़्यादा मुझे अपने BT को बचाना है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये निशान क्या दिखा रहे हैं? Access denied किस चीज़ का? BT का? अब इसके अंदर शायद हमारा BT आ जाए। अब ये कहाँ से गोली मार रहे हैं? कौन मार रहा है गोली? ये फ्रेंड है कि फॉय है? ये तो दुश्मन है। निकलो यहाँ से। Cooper, the houses contain weapon caches. I saw them being loaded on the assembly line. फ्रेंड्स, टाइटन को मार दिया हमने। Deploying additional Reaper to test scenario. अब किसको मारना है? मेरा टाइटन कहाँ पर है? ये बीच बीच में एश की आवाज आती रहती है। ये ऊपर कौन आया? यहाँ से निकलो अभी। ओहो, ये तो पीछे ही आ गया भाई। अबे यार, यहाँ से तो मैं निकल भी नहीं पाऊंगा।
This is taking longer than expected. Yes. You should have died by now. Kappa 1, report to Dome 314 immediately. Objective, destroy the militia pilot. Hard copy, over. Solid copy. Proceeding to Dome 314, out. इसको खत्म करना साला लात मारता उछाल लेता है यस आई एम क्लियर टू एंगेज अरे भाई ये तो ऊपर से चढ़ के आ गया यार फिर लात मारी इसने भाई मैं इसका सीधे से हमला नहीं झेल सकता निकलो यहाँ से दो चार गोलियां मार ली अब निकल दो यहाँ से Get out of there while you can. I have detected an opening in the outer wall, okay. Marking your HUD. अबे यार इतने लोगों के बीच में से निकलूं कैसे मैं? 9903 meters. ये दिखा रहा है. Detected an opening in the outer wall. You should get out of there while you can. Marking your HUD. कितने सारे हैं भाई यहाँ पर? भाई मेरे पास गोलियां भी खत्म हो गई यार अरे यार फिर मुझ पर हमला हुआ कहां से हमला हुआ कोई स्नाइपर बैठा है फ्रेंड्स यहाँ पर स्नाइपर की तो ऐसी तैसी मेरे पास गोलियां भी ज़्यादा नहीं बची हैं फ्रेंड्स अब मुझे कोई बंदूक चाहिए यहाँ पे कोई बंदूक है नहीं इसके पास है कोई इसके पास भी नहीं है बंदूक तो भैया बिना बंदूक के लड़ूंगा कैसे मैं बंदूक तो मिलाओ मुझे इस गेम का इम्पोर्टेंट चीज़ है बंदूक बिना बंदूक के कैसे लड़ेंगे भाई बंदूक ढूंढनी पड़ेगी इतने सारे लोग हैं इतने सारे लोगों के बीच में जाना है बंदूक भी ढूंढनी है कितनी दूर है 79 मीटर चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं निकलो यहां से 20 मीटर
लो एक गन तो मुझे मिल गई फ्रेंड्स, अब मुझे इनका निपटाना है। बच गया साला, साले एक यहाँ पर शील्ड वाला बंदा बैठा हुआ है, मुझे उसको खत्म करना है। मेरे ग्रेनेड्स भी खत्म हो गए हैं फ्रेंड, अब तो सीधा सामने जाके मारना पड़ेगा उसको। पीछे से जाके मारता हूँ, खत्म। अब यहाँ पर कहाँ है, अबे ये इतने सारे बैठे हुए यहाँ पर, और मेरे परेशानी है मेरे ग्रेनेड भी खत्म हो गए। ग्रेनेड होते ना तो अभी एक ग्रेनेड फेंकता उनकी किस्सा खत्म हो जाता। कोई बात नहीं, एक एक करके मारता हूँ इन्हें। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ तक हम आ गए, हमने अब 41 मीटर दूर है। अबे जाना आगे बढ़, क्या हो गया, यहाँ रास्ता नहीं है क्या? तो रास्ता कहाँ पर है, ऊपर से जाना है क्या? ठीक है फ्रेंड्स, रास्ता हमें मिल गया है। अब यहाँ से नीचे कूदूं क्या? 17 मीटर यहीं से नीचे बता रहा है, क्योंकि यहाँ से नीचे कूदेंगे तो 17 मीटर की डिस्टेंस बता रहा है, और यहाँ से जाने का रास्ता यहीं पर बताया। तो फ्रेंड यहाँ से नीचे कूदते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जय श्री राम, और ये नीचे कूदे हम। फ्रेंड्स हमने एक मिशन पूरा कर लिया, अब शायद हमें अपने बीटी से मिलाए। बीटी से मिलाने के बाद हमारे यहाँ का बॉस मिस एश से हमारा पाला पड़ेगा। लोकेट बीटी, देखा हम यहाँ पे आ गए, अब हमें बीटी को ऑब्जेक्टिव है बीटी से मिलना। You can buy all the toys you want. Sector 4 Charlie. Detonate charges 21 through 29. Okay, friend. Brisk ne kaha hai ki... To all IMC personnel, this is Ash. I am sorry to report, due to your inability to contain the security breach, I have been forced to scuttle the entire complex. Okay. Some of you may consider this overkill. It is. I suggest you evacuate immediately. ओके फ्रेंड्स, वो ऐश इस पूरे कॉम्प्लेक्स को उड़ाने वाली है, इससे पहले कि वो उड़ाए हमें अपने बीटी को ढूंढना है और यहाँ से निकलना है। वो पूरे कॉम्प्लेक्स को उड़ाने वाली है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकल के हमें अपने बीटी को ढूंढना है। तो बीटी को कहाँ से ढूंढा जाए, कितना बता रहा है, 132 मीटर। फ्रेंड्स हम उसके करीब पहुँच रहे हैं अपने बीटी के, अब यहाँ तक आ गए हम। यहाँ पे हमारे एनिमीज हम पर अटैक करेंगे, तो उसके लिए हमें तैयार रहना। मैंने रीलोड कर लेता हूँ। ग्रेनेड्स मेरे पास है कि नहीं मुझे पता नहीं, कितने दिखा रहे, शायद 2 ग्रेनेड है मेरे पास। और बीटी कितनी दूर, 1821 मीटर। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अब कितनी, 90। आगे बढ़ना है, कहाँ से बढ़ना है हमें रास्ता बताओ। और मैं फिर से नीचे कूद गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से कहाँ जाना है, मैं बस इसके चारों डोम में चक्कर लगा रहा हूँ। अब इसके सामने जाना है क्या? सामने तो शायद ना पहुँच पाऊँ। फ्रेंड्स इस बड़े ब्लॉक्स में आ गए हम, सामने वाले ब्लॉक में आ गए, पर अब जाना कहाँ है? ओके, अब वो जो सामने दिखा रहे हैं ना, शायद वहाँ ये यहाँ पहुँचना है। तो उसके लिए अब नहीं 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 मरना नहीं है। अब
Pilot, I do not know what you did, but a series of explosions just weakened the manipulator arm. I have broken free. Okay. तो फ्रेंड ये बीटी बता रहा है कि तुमने पता नहीं ऐसा क्या किया, पर कुछ बॉम्ब फटा जिससे इसको जिस मशीन ने पकड़ रखा था वो आजाद हो गया बीटी उससे। तो हमने जो भी किया अच्छा ही किया। ओके फ्रेंड्स, अब कहाँ जाना है? इस पाइप पे कूदूं क्या? यहाँ सामने जाना है क्या? पर मैं मारा जाऊंगा यार, सामने कूदने के चक्कर में मारा जाऊंगा मैं। फ्रेंड्स हम ऊपर आ गए हैं, चेक पॉइंट भी मिल गया हमें। देखा मैंने रास्ता ढूंढ लिया, पर रास्ता ढूंढ तो लिया पर आगे करना क्या है? आगे बढ़ते रहना बस और क्या। ओके साले, कितने सारे अटैक करते हैं एक साथ यार। खत्म। मुझे अपनी गन बदलनी पड़ेगी फ्रेंड्स, गन में बंदूक में गोलियां नहीं है ज्यादा। पर फ्रेंड्स हमने रास्ता ढूंढ ही लिया आके। ओके मुझे गन भी बदल मिल गई है एक अच्छी खासी, जिसमें बुलेट्स हैं। BT-7427 दिखा दिया। कितने सारे हैं ये रोबोट्स का ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स, कि अगर तुम इन्हें मार भी दोगे ना तब भी ये बम की तरह फटेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचा के ही जाएंगे। मतलब अगर इन्हें नहीं मारो तो भी परेशानी, मारोगे तो भी परेशानी। बस तो फिर इनका एक ही तरीका है, अपने पास पहुंचने से पहले इन्हें निपटा दो। ये सामने फ्रेंड BT दिखा रहा है हमारे, अब मुझे सामने पहुँचना है। पर सामने पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाऊँ मैं? यहाँ से कोई रास्ता जा रहा है? नहीं, तो यहाँ तक मैं पहुँचूँ कैसे? पहुँचने के लिए क्या किया जाए? वहाँ पहुँचा जा सकता है। एक मिनट, यहाँ से कोई रास्ता है? अरे यार फ्रेंड्स हम पहुँच गए, हमने एक और डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब जाना है मुझे वहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँचने के लिए इस वॉल पे ऊपर ही जाना पड़ेगा। अब हमें घोस्ट रनर बताएगा क्या करना। बहुत देर होगी भाई, बहुत देर बाद बताया तूने घोस्ट रनर, पहले नहीं आ सकता था? जब मैं वो ब्लॉक्स दिखा रहे थे ना, वो बड़े सर्कुलर ब्लॉक्स, वहाँ पे बताना चाहिए था, वो मैंने अपने आप ही चेक किया। ओके यहाँ से जाना है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। BT वहाँ अपने दुश्मनों से लड़ रहा है, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। ओके और हम पहुँच गए हैं। ओके फ्रेंड्स हम अपने BT से मिल गए हैं फ्रेंड्स। I detect an exit beyond this dome. Check your HUD. ओके कहाँ पहुँचना है? स्केप द फैसिलिटी, पर उस हम स्केप कर नहीं पाएंगे क्योंकि उससे पहले मुझे ऐश से लड़ना पड़ेगा। पर पहले मैं इनको निपटा दूँ। पहले मैं इनको निपटा दूं। Titan can only do so much. एक तो टाइटन खत्म फ्रेंड्स, एक टाइटन को मैंने खत्म कर। अब कौन मार रहा है यार? Excessive damage. Warning. Warning. Now that's a hit. एक और फ्रेंड को मार दिया हमने।
अब मुझे एक और ग्रीन चाहिए। हेल्थ बढ़ा लिए फ्रेंड्स। अभी एक टाइटन और है, शायद मुझे उसको भी मारना है, पर कहाँ है वो? वो छुप के बाद एक्टिवेट फाइट कोर। ओके, अब इसको मारना है तो इसके पास ही जाके मारा जाएगा, और कहाँ मारा जाएगा? एक तो मेरी हेल्थ ज्यादा नहीं है, पर मैं मार के तो रहूंगा इसे। कहाँ पर है भाई तू? तेरी तो मैं अपनी शील्ड नहीं बना पा रहा। कहाँ पर छुपा है भाई तू? खत्म। कहाँ पर है भाई तू? खत्म फ्रेंड्स, एक और हमने मार दिया। अब मिस एश से हमारा झगड़ा होगा। मिस एश जिसके पास सैमुराई जैसी तलवार है, वो तलवार सैमुराई की है कि नहीं ये तो नहीं पता, पर उसके पास तलवार तो है, ये तो मैं जानता हूँ। अब हमें उससे लड़ना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से शुरुआत की जाए? अब कहाँ जाना है? अब यहाँ से कोई रास्ता है क्या? नहीं, यहीं से होना चाहिए कोई रास्ता। ये रास्ता दिखा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, सैनिकों को तो हम मार ही देंगे बाद में क्या भी मार ही देते हैं, पर मैं सिर्फ इसका इंतजार, इसको मैं लूँ या नहीं लूँ अभी मैं नहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि आगे कम आ सकता है ये आगे। ओके, अब कहाँ से हो रहा है हमला हम पे? देखा, अब मिस एश आ गई है हम पे हमला करने। उसके पास सैमुराई की तलवार है। Put a high price on your head, pilot. That makes dead or alive. That makes you worth something. Okay. Let us begin. Detecting hull damage. Salvo core ready. There you go. फ्रेंड्स, मार दिया हमने उसको। उसकी तो ऐसी तैसी कर दी ऐश की। एनिमी टाइटन डाउन। अब कौन बचे इन कुछ मिच्चों की? तो फ्रेंड्स, हमने मार दिया अपने दुश्मन को। Security lockdown has been disengaged. I recommend we leave through the tunnel. Okay, friends. Went बहुत जल्दी हमने अपने friend दुश्मन का खात्मा कर दिया। मुश्किल से एक मिनट लगा, हमने दुश्मन की छुट्टी कर दी। भाई भाई है तुम्हारा यार, ऐसे थोड़ी ना। Friends,
एंड ऐश की हमने छुट्टी कर दिया जिसके पास सैमुराई की तलवार थी। अब पायलट बीटी कह रहा है कि अब मैं और शॉर्टकट नहीं लूंगा क्योंकि अभी तक जितने भी शॉर्टकट लिए उसने हमें प्रॉब्लम में ही फंसाया। अच्छा जोक मारा बीटी, टाइटन भी जोक मारने लग गया हमारे साथ रहते हुए। उसने अभी तक दो शॉर्टकट लिए और दोनों शॉर्टकट में हमें फंसाया उसने। एक शॉर्टकट में तो हमें उसने केन से मिलाया था और दूसरे में उसने हमें ऐश से मुलाकात करवा दी हमारी। Pilot, Major Anderson is here. Investigate this facility. I will meet you on the other side. Okay. Don't get captured again, BT. Okay. I will avoid all shortcuts. Okay. So friends, BT बोल रहा है कि यहाँ पे Mr. Anderson है, मुझे पूरी इस फैसिलिटी को चेक करना है Mr. Anderson को ढूंढने के लिए। और Cooper कह रहा है कि तुम बस अब दोबारा किसी के पकड़ ना ले तुम्हें। तो BT कह रहा है कि अब मैं दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं लूंगा। Okay. ये क्या चीज है भाई? ये क्या चीज थी यार? अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ तो कुछ और दिखा रहे हैं और नहीं जा रहा हूँ तो कुछ पीछे हट रहा हूँ तो कुछ और दिखा रहे हैं। ये तो बॉम्ब फूटा तो इसके लिए क्या करना है? आगे बढ़ना है क्या? आगे बढ़ता हूँ तो कुछ और दिखाते हैं। ये कैसी जगह है भाई? ये तो अलग ही दुनिया है। अब फिर मैं दूसरी जगह पे आ जाऊंगा। यहाँ पे मशीनें अभी काम कर रही हैं और अभी मैं थोड़ी देर बाद हटूंगा तो यहाँ पे दूसरी चीजें दिखानी शुरू कर देगा। What just happened? There are distortions throughout this facility and they appear to be causing a rift in time. I advise caution until we have further information. A rift in time? How does that happen? Unknown. Militia SRS has documented several cases on other planets. A common feature of such rifts is a massive energy surge. Be careful, pilot. Okay. तो BT बता रहा है कि वो Cooper कह रहा है कि जो मैं कह रहा था कि अजीब सी जगह है यहाँ पर, आगे बढ़ो तो कुछ और दिखाता है, पीछे जाओ तो कुछ और दिखाता है। तो इस जब मैंने BT से पूछा तो BT कह रहा है कि यहाँ पे मैसिव टाइम रिफ्ट हो रहे हैं, टाइम के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है और उसकी वजह यह है कि यहाँ आसपास कोई बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है, उसकी वजह से ये टाइम रिफ्ट हो रहा है। टाइम रिफ्ट इन्होंने दूसरे प्लैनेट पे भी देखे हैं तो इसका एक ही तरीका इन्होंने बताया कि जब तक मैं BT से दोबारा मैच नहीं कर सकता, दोबारा मिल नहीं जाता, तब तक कॉशियसली मुझे आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा कॉशियसली आगे बढ़ना है मुझे। और आगे बढ़ने के लिए कहाँ से जाना है? फिर से टाइम के साथ छेड़छाड़ हुई फ्रेंड्स। न्यूट्रलाइजिंग द मिलिशिया फोर्सेस, वी विल इन फैक्ट सेफगार्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन रेस एक्सटेंडिंग। ओके फ्रेंड, धीरे धीरे आगे बढ़ना है मुझे कि टाइम के साथ बहुत ज़्यादा ही छेड़छाड़ हो रही है लगता है। टाइम मशीन जैसा कुछ है, टाइम मशीन जैसा कुछ दिखा रहे हैं। BT का मुझे निशान दिखाया था शायद अभी। यहाँ से कोई रास्ता है? यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। ये कोई गेट है? नहीं, ये भी कोई गेट नहीं है। आप कहाँ जाना है फ्रेंड्स? ये कौन बंदा मरा पड़ा है? ये क्या चीज़ है यार? ये तो कोई ज़ॉम्बी जैसा चीज़ लग रही है। कोई बात नहीं, ये टाइम मशीन दिखा रहा है कि जो टाइम पहले था जब ये फैसिलिटी काम करती थी तब दिखा रहा था, और जब फैसिलिटी को किसी ने तोड़ फोड़ मचा दी, यहाँ पे हमला कर दिया, उसके बीच का जो टाइम रिफ है वो दिखा रहा है, टाइम का फासला। एक टाइम जब चीज़ बिल्कुल सही थी, एक टाइम जब किसी ने इस पे हमला किया। Reminder, identification credentials must be displayed at all times. Any suspicious activity should be reported to your nearest authority. Any suspicious reported, कोई भी suspicious report activity है उसका पास के लोगों को करो। ये क्या है भाई? ये क्या जानवर था यार? अभी तो ढेर सारे जानवर हैं, ये क्या मुझ पे हमला करेंगे क्या? ये तो उड़ने वाले चमगादड़ लग रहे हैं, उड़ने वाले डायनासोर। अब ये मुझ पे हमला करेंगे क्या? लग तो रहा है कि आगे बढ़ूंगा तो हमला तो करेंगे, वरना गेम है कैसे आगे बढ़ेगा? कितने सारे हैं ये? ओके अभी तो डायनासोर दिखा रहे थे, अब प्लेन दिखा रहे हैं उड़ने वाले। What is this place? What happened to everyone here? What is this place? The
IMC has multiple scientific research facilities throughout the frontier. However, this particular one is unlike any known to the militia. How many of these facilities are there? In the 8 standard months prior to Operation Broadsword, the 9th Militia Fleet captured or destroyed over 29 such installations. Okay, so friends, ये बता रहा है कि IMC जो है. Strange. I'm picking up traces of my own data signature within this area. The distortions must be affecting my scans. Okay. तो IMC जो विलेन है इस पूरे गेम का, उसने ऐसी फैसिलिटी कई सारी बना रखी हैं, और उसने कोई डेट बताई है इस गेम में. उसने इस डेट पे इस मिलिश इस फैसिलिटी पे अटैक किया, उसको डिस्ट्रॉय किया और कैप्चर किया. इंटरेस्टिंग. I'm detecting traces of a massive energy explosion throughout this facility. However, your helmet data does not detect the same in the other timeline. Okay, BT बता रहा है कि उसकी इस एनर्जी सोर्स की वजह से वो जो स्कैन कर पा रहा है उसमें भी प्रॉब्लम है. और उसको बता रहा है कि उसने जो स्कैन किया वहाँ पे कोई मैसिव एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ है, पर मेरा जो हेलमेट है उसने उसको कैप्चर नहीं किया. यह अजीब सी चीज़ है, पर ऐसा क्यों हुआ ये बीटी हमें बताएगा. तो मैं बीटी से जाके मिलता हूँ. क्या करना है मुझे अब? बीटी से जाके एम्बार करना है बस. ये सामने बीटी है ना. हाँ, बीटी, वी मीट अगेन फ्रेंड. हम दोबारा मिल गए हैं. अब मुझे इस बीटी में जाके एम्बार करना है. None of these remains match the genetic profile of Major Anderson. He may still be alive. Okay. I recommend you check the main lobby for reception. I would accompany you, but unfortunately my chassis will not fit through the door. Okay. Friends. I'm doing my key. On the contrary, you are proving yourself to be much more than a class 3 rifleman. I suspect Major Anderson will be impressed. Okay. तो फ्रेंड्स ये बता रहा है कि यहाँ पे जितने सैनिक मरे हुए हैं ना, उसका कोई भी ब्लूप्रिंट डीएनए जो है मिस्टर एंडरसन से मैच नहीं करता. तो मिस्टर एंडरसन अभी जिंदा है मतलब, तो हमें उनसे मिलना है. पर ये जो अगर हम बीटी में बैठ जाएंगे ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ये इस बिल्डिंग के अंदर बीटी घुस नहीं पाएगा. तो उसके लिए हमें इस बीटी से अलग रहना पड़ेगा, और तभी हम इस बिल्डिंग में आगे बढ़ पाएंगे. तो फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मिस्टर एंडरसन भी शायद इस बिल्डिंग के अंदर ही मिलेंगे. तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए चेक पॉइंट मुझे मिल ही गया. मिस्टर एंडरसन भी बड़ी बड़ी भारी चीज़ है यार. Detecting a faint biosignature on the upper level of the reception lobby. Recommend you investigate. Okay, इसको कोई बायोसिग्नेचर मिल रहा है पर इस रिसेप्शन के अंदर, तो हमें जाके चेक करना है. पर मैं क्या कह रहा था, मिस्टर एंडरसन बड़े भारी चीज़ें यार. पिछले 3 एपिसोड से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, अभी तक नहीं मिले. कौन है मिस्टर एंडरसन भाई? मैट्रिक्स के न्यू है क्या? ओ तेरी भाई, कहाँ से हमला करेगा तू? फ्रेंड्स एक को मार दिया हमने. इसके पास कोई बंदूक है? नहीं, इसके पास भी कोई बंदूक नहीं है. इसके पास भी कोई बंदूक नहीं है. मुझे इस फैसिलिटी को पूरा चेक करना है, ताकि मिस्टर एंडरसन को ढूंढ सकूं मैं. अब रास्ता कहां पर है? यहां से आगे बढ़ना है हमें. Pilot, there may be important data within Major Anderson's helmet. You should retrieve it for analysis. मिस्टर एंडरसन मर गया क्या? Oh my God, मिस्टर एंडरसन की तो मौत हो चुकी है फ्रेंड. ये मिस्टर एंडरसन का हेलमेट है, और मुझे इससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है. Anderson's dead. Yes. But I have his helmet. Unlike him, it appears to be in one piece. Well done. If you bring it to me, I can analyze his helmet for important data. Okay. Got it. हम मुझे इस हेलमेट को बीटी तक वापस पहुंचाना है. पर मिस्टर एंडरसन की तो मौत हो गई फ्रेंड. ये रहा मिस्टर एंडरसन, देखो ये जो पिछले 3 एपिसोड से मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है मिस्टर एंडरसन. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है. तो फ्रेंड्स अब हम बीटी से मिलेंगे. उसका हेलमेट मैंने ले लिया है. अब इस हेलमेट को बीटी को देना है. वो बीटी जाके चेक करेगा कि इस हेलमेट में क्या है. रास्ता कहाँ है? ऊपर जाना है. गलती करती फ्रेंड्स, या ऊपर नहीं जाना, मुझे नीचे ही रास्ता है. ये रास्ता है ना. हाँ, वेयर इज बीटी? BT-7427 आ गया फ्रेंड में. If you hand me Anderson's helmet, I will analyze it. ये हेलमेट अब मिस्टर बीटी को देगा. With the death of Anderson,
command of Special Operation 217 now transfers to you. Congratulations on your field promotion, Pilot Cooper. Okay. The following is Anderson's mission briefing from Commander Sarah Briggs of the Militia SRS. Major Anderson, 2 weeks ago we intercepted IMC comms. They found something on Typhon. A massive blast of energy was discharged at this location, creating time distortions. I want SRS on the ground to infiltrate the facility. Roger that. I'll get some answers. This wrist-mounted device we recovered during Operation Grizzly should protect you. We know the IMC have contracted Kuban Blisk and his mercenaries to protect something critical there, so watch your back. And Anderson, you know how much I love writing death reports, so don't go it alone. The SRS is a team. Okay, friends. Pilot, the data Major Anderson collected appears to be incomplete. We are duty-bound to uphold and fulfill Special Operation 217. Recommend we locate Anderson's wrist-mounted device before proceeding. I didn't see any device on Anderson. It must be on the other half of his corpse. I detect a breach in the security services building. I will provide access. Okay, friend. So, abhi tak ki kahani ye hai. I will remain here and scan the ring structure while you investigate the facility for intel and the missing device. Okay. Ye to Neeraj Chopra ki tarah hai yaar. Tere bot to bhi nahi sir. Nice. Maybe next time you can throw me. Noted. Okay, friend. मैं अभी तक की कहानी सुना देता हूँ ये क्या हुआ। तो जब मिस्टर एंडरसन का हेलमेट इस बीटी ने चेक किया तो उसने क्या देखा कि कोई मिस सारा है जो इस हमारी टीम की कमांडर है, लीड करती है। तो उन्होंने बताया कि इस फैसिलिटी के आसपास कोई बहुत बड़ा एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ है, तो वो जगह जाके चेक करनी है। मिस्टर एंडरसन को बोला कि तुम जाके चेक करो, क्योंकि उस जगह को ब्रिस्क जो मिशनरी है जिसे आईएमसी ने एक्वायर किया अपने काम के लिए, वो कोई बहुत स्पेशल चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मिस्टर एंडरसन वहां यहां आए, चेक किया। The breach in the security services building is now accessible. Recommend you start your search for the device. पर उसको चेक करने के चक्कर में वो मारे गए, और एक डिवाइस भी सहारा ने उसे दिया था, पर वो डिवाइस नहीं मिला। तो बीटी कह रहा है कि उसकी बॉडी का जो दूसरा पार्ट है उसमें वो डिवाइस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, गेम स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरी स्टोरी आपको सुना दी है, तो गेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेंट गेम स्टार्ट करते हैं। इस जिप लाइन से हम अब पूरी फैसिलिटी को चेक करेंगे, ओवर डिवाइस भी ढूंढेंगे। ओके, अब कहाँ आगे बढ़ना है। चेक पॉइंट हमें मिल गया फ्रेंड्स। ये क्या चीज है, फ्रैग ग्रेनेड्स। चेक करूं क्या है। अच्छा, ये बॉम्ब की तरह फटते हैं, मतलब इसको रिमोट से तुम फोड़ सकते हो। भाई मुझे ग्रेनेड ही अच्छे लगते हैं यार, तो मैंने ग्रेनेड्स ले लिए। अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। ओ, मुझे लगा ये हमला करेगा, पर ये तो ज़ॉम्बी है, मरा हुआ ज़ॉम्बी है फ्रेंड। टाइम डिस्ट्रॉशन फिर से हुआ। ओ तेरी भाई, फर्स्ट फायर असॉल्ट राइफल। डिफॉल्ट फ्रेंड्स, अब मेरे पास सिर्फ 12 गोलियां बची हैं, और अभी कुछ दुश्मन भी बचे हुए हैं, तो उनको मारने के लिए क्या किया जाए। अबे कितने सारे हैं यार ये, तेरी तो। अब किन के कितने बचे हैं, 2 दिखा रहा है ये, और मेरे पास 3 गोलियां बची हैं। इसको तो मैं लात से ही मारूंगा। चल हट। अबे कितने सारे, यहाँ कोई रास्ता है, यहाँ से निकलो। कोई बंदूक दिखाई थी, एक बंदूक ले लिया मैंने फ्रेंड।
इससे पहले कि वो आगे बढ़े यहाँ से निकलो। यहाँ पे ढेर सारे ज़ॉम्बीज हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं ज़्यादा को मार नहीं सकता। मैं एक बंदूक की गोलियाँ हैं मेरे पास अभी, तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी। फ्लैट लाइन नहीं, अब मुझे जाना कहाँ है भाई। ओके मैं आगे बढ़ रहा हूँ फ्रेंड गेम में बस, क्योंकि मैं इतने सारे ज़ॉम्बी से को एक साथ मारने के लिए मुझे पास बंदूक की गोलियां होनी चाहिए, जो मेरे पास अभी है नहीं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा गेम पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है गेमिंग लाइफ और मैं आपके लिए इसी तरह बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।